गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे, भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय धुरपत गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज है गणेश चतुर्थी और आज मैंने स्थापित की है अपने घर पे गणपति जी, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी गणपति जी की स्थापना एंड पूजा ब्लॉग। और एक्चुअली गाइज, पूजा ब्लॉग हो चुकी है, मैं भूल गई थी, इतना काम था सुबह से तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई स्टार्टिंग से, और इसलिए मैं बाद में शूट कर रही हूँ जब सब कुछ खत्म हो गया। यू कैन सी माई टीका, पूजा खत्म हो गई है और आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहीं पे मेरे गणपति जी भी बैठे हैं। सो ये है उनकी झांकी, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो हम लोग की पूजा हो गई है और लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सारा ब्लॉग। हम लोग पूरी रात जगे थे एक दिन पहले गणेश चतुर्थी के। यहाँ पर मैंने मूर्ति भी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो रात पर मैंने मूर्ति में बैठ के पेंट किया, उसके बाद पूरी सजावट की मैंने और बिट्टू ने मिलकर। और फिर नेक्स्ट दिन हम लोग मतलब सुबह 5 बजे ही सोए थे, और उसके बाद तुरंत उठना हुआ क्योंकि मूर्ति स्थापना करनी थी, तो हम सब ने मिलकर मूर्ति की स्थापना भी की और फिर उसके बाद सब लोग ने पूजा पाठ किया। सॉरी गाइस, सुबह से पूरा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज बहुत बिजी थी इस वजह से। तो यहाँ पर मम्मी पापा ने ही पूजा की, कोरोना के चक्कर में किसी पंडित को भी हम लोग नहीं बुला पाए थे, तो हम लोग ने इंटरनेट में यूट्यूब पर देख के सारी वीडियो सारी विधि के साथ। विधि के हिसाब से अपना पूरा पूजा की। और ये जो छोटे वाले गणपति हैं ये बिट्टू ने बनाए थे और बने गणपति जी मैंने बनाए थे। बाद मम्मी पापा ने सारी पूजा की। हमारा डेकोरेशन कैसा लगा ज़रूर बताना, बहुत मेहनत लगी है एंड गणपति जी को तो तैयार करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था बनाना, और सोच रही थी पता नहीं कैसे बने बिगड़े ना, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बिगड़ भी रहे थे 2-3 बार, तो बहुत चटके भी, जो कि मिट्टी की मूर्तियों में होता ही है, और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि पता नहीं बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बट गणपति पप्पा ने हमको बचा लिया और मेरी मेहनत को बेकार नहीं होने दिया। फाइनली मेरी मूर्ति कम्प्लीट हो गई थी, मैं पूरी रात जगती रही और मेरे कान में भी बहुत दर्द था लेकिन बनाना था तो बस बनाना था। जहाँ पर लगन होती है वहाँ सारा काम हो जाता है, ये चीज़ सीखी मैंने। सो फाइनली यहाँ पूजा हो गई है, भगवान जी की स्थापना भी हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। बस उसके बाद अब हम लोग ने यहाँ पर सबने एक एक करके ऊपर फूल अर्पित किए, उनकी आरती की, और सब लोग बिट्टू को बहुत चढ़ा रहे थे बिकॉज वहाँ मेरे गणपति भी रखे थे और बिट्टू के बनाए हुए गणपति रखे थे। सब लोग बड़े वाले की ज़्यादा पूजा कर रहे थे, तो उसने ये बोला कि वो बहुत परेशान थी, सब लोग उसको चढ़ा रहे थे कि तुम्हारे गणपति की कोई नहीं देखेगा कोई नहीं देखेगा, और उसको सब लोग चढ़ा रहे थे, वो चिढ़ भी रही थी, स्पेशली चाचा जी, तो उसकी और चाचा की बहुत पड़ती है, वो हमेशा एक दूसरे को चढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए सब लोग उसको चढ़ा रहे थे कि तुमने अपने गणपति अपने जैसे बनाए। इन सब कुछ पूजा हो गई क्योंकि गणपति तो दोनों बराबर ही होते हैं, हम लोग ने दोनों गणपति को अच्छे से पूजा पाठ करके उनको स्थापित किया, और यहाँ पर सब लोग ने एक एक करके हवन किया। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ये बस आप लोगों के साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ बिकॉज आप लोगों को पता है कि जब घर पे ऐसा पूजा पाठ होता है तो पूरे दिन इसमें ही लगा रहना होता है, ब्लॉग शूट करना आसान नहीं होता, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्थापना की अपने गणेश जी की स्थापना का ये ब्लॉग जरूर लाऊँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि गणपति पप्पा और या तो इतना तो बनता ही है। सो यहाँ पर बस सबने एक एक करके आरती की भगवान जी को एंड धन्यवाद किया कि फाइनली वो हमारे घर पे बैठ गए हैं। मुझे बहुत मन था हमेशा से कि मैं गणपति जी को अपने घर पे बैठाऊँ, और पिछले 3 साल से मैं कंटिन्यू हमारे घर पे गणपति बैठा रही हूँ। अभी हम लोगों की पूजा और ख़त्म हो चुकी है और अब बारी है खाने की, क्योंकि बज रहे हैं दोपहर के 2 और अब सुबह से कुछ नहीं खाया है क्योंकि बिना पूजा किए खाना खा नहीं सकते थे, तो बस अब जा रहे हैं पेट पूजा करने क्योंकि भगवान की पूजा हो गई है और अब बारी है पेट पूजा की। तो चलिए चलते हैं और अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। कि मेरा सूट कैसा लग रहा है, मुझे राखी में गिफ्ट मिला था येलो कलर, और हम लोग ने डिसाइड किया था कि पूजा का टाइम है तो येलो कलर ही हम लोग सब पहनेंगे, तो हम लोग ने सब लोग ने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी,
गणपति जी मैंने घर पे ही बनाए, तो इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे क्या प्रोसेस पूरा वीडियो शेयर करूंगी, तो उसको भी जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड गणपति जी सब आप सबकी हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबके विघ्न हर लें, और बस ये करें कि कोरोना भी गणपति जी के जाते जाते चला जाए, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। और सब लोग बोलो मेरे साथ गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी हमारे घर पे आ गए, पर देखो विसर्जन का क्या होता है, मैं आप लोग के साथ विसर्जन का ब्लॉग भी शेयर करूंगी। सो बने रहिए मेरे साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।